नमस्कार दोस्तों, जोशी विनोद की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप जानते हैं कि मैंने नया सेगमेंट चालू किया है, हम फिल्मों की बातें करेंगे, हम और भी बातें करेंगे, हम वॉइस की बातें करेंगे। और वॉइस से रिलेटेड अब एक नई वेबसाइट तैयार हो रही है जिसमें आपके लिए वीडियो तैयार किए जा रहे हैं। जिसको भी सीखना होगा उस वेबसाइट पे जा सकता है। अभी उसका थोड़े ही दिनों में मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, अभी तैयारी चल रही है। और इस चैनल पे भी आपको वो इसकी छोटी सी टिप्स के साथ बाकी फिल्मों की बातें हम करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे शॉर्ट फिल्म की, जो डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में ऑस्कर जीती है। ऑस्कर का माहौल चल रहा है, एलिफेंट विस्पर्स इसी को मिला है। दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर हैं कार्तिक गोंजाल्विस और इसे प्रोड्यूस किया है इनके साथ गुनीत मोंगा, अचिन जैन और डोग ब्लूश ने। 2023 का शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें पूरी तरह से भारतीय लोग शामिल है, डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन और मेकिंग सभी में। इसलिए भारत का पहला ओरिजिनल ऑस्कर है शॉर्ट फिल्म का। ये कहानी एक हाथी के बच्चे की जिसका नाम है रघु, जो अपने परिवार से अलग हो जाता है और अनाथ की तरह जंगल में भटकने लगता है। अगर बोमन और बैली उसे नहीं मिलते तो हाथी का ये छोटा सा बच्चा बच नहीं पाता। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही मार्मिक कहानी है जहां जानवर और इंसान दोनों एक हो जाते हैं। ये केवल एक जानवर के सर्वाइवल की कहानी नहीं है, साथ ही इंसान के साथ रहने और प्रकृति के बीच में रहकर उसको बचाने की कहानी है। ये एक तमिल भाषी फिल्म है जिसे साउथ में बहुत ही खूबसूरत नेचर के बीच शूट किया गया। ये दोनों लोग हाथी की जिंदगी कैसे बचाते हैं, उसे हाथ से खाना खिलाते हैं, नहलाते हैं और उसके बाद वो हाथी किस तरह उनके परिवार का सदस्य बन जाता है, ये सब बहुत ही रोचक तरीके से दिखाया है। कई दृश्य तो बड़े मार्मिक बन गए। दोस्तों आपको बता दें, इसमें कोई एक्टिंग नहीं कर रहा होता। डॉक्यूमेंट्री में किसी भी तरह की एक्टिंग या स्क्रिप्ट फॉलो नहीं होती, यही चीज इसे खूबसूरत बनाती है। और इस फिल्म में आप जो कुछ भी देखेंगे वो बिल्कुल रॉ होगा, जैसे जीवन में होता है। इसमें हाथी और बाकी जानवरों का गुस्सा, उनका प्रेम, इंसानों के बीच खेलना, सभी कुछ बहुत ही सहज तरीके से दिखाया गया है। अंत में जंगल वाले अधिकारी लोग रघु को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। ये दृश्य सच में बहुत रुला देने वाला है। बस रियलाइज होने लगता है कि जानवर और इंसान दोनों ही प्रकृति का ही हिस्सा है, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। दोस्तों इसमें डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी की जितनी तारीफ करें ना कम है। ऐसा लगता है हम देखते ही देखते उस नेचर के बीच पहुंच गए हैं, जो हमारे आसपास सारे जानवर पक्षी अपना अपना काम कर रहे होते हैं बिना एक दूसरे को परेशान किए। अगर आपने भी ये फिल्म देखी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको इस फिल्म में सबसे अच्छा क्या लगा। और नहीं देखी है तो अभी देख लीजिए। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो।